चतरा के भद्रकाली मंदिर में दीपक प्रकाश पहुंचे हैं। आपको बता दें, यहां मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद हैं राज्यसभा के दीपक प्रकाश, जो भद्रकाली मंदिर पहुंचे हैं और यहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। दरबार में चतरा की पवित्र भूमि में मैं संगठनात्मक प्रवास करने के लिए आया हूँ। यह भूमि बहुत ही पवित्र है। देश के आज़ादी से लेकर आध्यात्मिक सवाल हो, राजनीतिक और स्वाधीनता आंदोलन का ये पवित्र भूमि है। यहाँ पर पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जहाँ तक आपने जो प्रश्न पूछा, एक साल सरकार की, राज्य की सरकार की, एक ऐसी सरकार है जो असफलताओं का भंडार लेकर के बैठी हुई है। विकास की शून्यता, हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ 1600 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं और जिस माया जाल दिखा करके जनता को भ्रमित करके सत्ता में आई थी कि बेरोजगारों को 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, बिजली दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त में, वो सारे चीज़ें कपोल कल्पित की तरह आज जनता देख रही है। और ये हम कह सकते हैं कि आज तक पूरे राज्य में, देश के सभी राज्यों में सबसे असफल राज्य के रूप में है और कांग्रेस स्क्रिप्ट लिखता है और मुख्यमंत्री जी उसको बोलने का काम करते हैं। ना इनके पास कोई दृष्टि है और ना काम करने की क्षमता है और ना इच्छा है। वित्तीय अराजकता, वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आज पूरा देश, पूरा राज्य आज उसका दंश झेल रहा है। ये राज्य, इस राज्य की जनता के लिए हम कह सकते हैं कोड़ बन चुकी है। विपक्ष अपनी भूमिका में कहाँ खड़ा है? विपक्ष लगातार जनता की आवाज़, 3.25 करोड़ आवाम की आवाज़ बन चुकी है। लगातार भारतीय